हाँ जी, तो क्या हाल है। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं देहरादून मेरे भाई के पास। हाँ तो जी, अभी जो आप ये देख रहे हैं ये नया देहरादून टू दिल्ली के लिए रोड बन रहा है, मतलब एक्सप्रेसवे या पता नहीं हाईवे जो भी गवर्नमेंट इसको बोलना चाहे वो बन रहा है। और मैं एक बात बता दूँ, ये पूरा यहाँ पे नीचे एक रिवर है, पूरा रिवर के अंदर से बना रहे हैं, पूरे रास्ते ऐसे ही पहाड़ों के बीच में रिवर जाती है। तो भाई जैसे ये वाला हाईवे बन जाएगा ना, उस दिन से दिल्ली टू देहरादून का सफ़र गवर्नमेंट कह रही है थी कि 2.5 घंटे 3 घंटे का हो जाएगा। और ये हाईवे जो बना रहे हैं ना भाई, सच में बहुत बढ़िया हाईवे बना रहे हैं। मतलब फुल फ्लाईओवर, मतलब आई थिंक ये 3-3 लेन का दोनों साइड होना है, तो 6 लेन हाईवे होने वाला है ये। और भैया देहरादून से और नीचे तक जो जाता है ना, मतलब पूरे पहाड़ों से नीचे, तो मतलब दो पहाड़ों के बीच में ऐसे जो खाई जैसा होता है ना, कनाल बन जाती है रेन वाटर को आगे जाने देने के लिए पहाड़ों से नीचे उतरने के लिए, तो उसके अंदर बना रहे हैं। और पूरा जो कनाल वे है ना उसके अंदर फ्लाईओवर्स बनाए हैं ताकि नीचे बारिश आए तो पानी नीचे आराम से बह जाए। हाँ जी, तो अभी है रात का टाइम और तकरीबन 12 बजे हैं। और वहाँ पे जो दिख रहा है ना लाल लाल से ऊपर, वो कोई लाइट नहीं है एक्चुअली, वो पहाड़ पे आग लगी हुई है। वो हम शाम से तो यहाँ आए हैं घर पे, तब से देख रहे हैं सामने उस पहाड़ पे आग लगी हुई है। पता नहीं क्या, मतलब फॉरेस्ट बाउंड्री वाले कुछ कर नहीं पा रहे या आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो बुझाई ही नहीं जा पा रही। तो अभी देखते हैं सुबह तक पता चलेगा ऐसा क्या होगा, और इसकी वजह से यहाँ के एटमोसफियर में बहुत फर्क पड़ने वाला। हाँ जी, तो ये है मेरे घर में एक 1992 की बोल्ट, जो कि मैंने रिसेंटली मेरे फादर इन लॉ से खरीदी, तकरीबन 1.5-2 साल हो गया है और चलने में काफ़ी अच्छी है। पर अभी कुछ फ्यू लीक्स हैं, थोड़ा सा ऑयल स्पिल हो रखा है, गियर बॉक्स में थोड़ा सा ऑयल लीक हो रहा है, जैसा कि अभी तुम फुटेज में देख रहे होगे। तो अभी थोड़ी बाइक की सफाई करनी है, मैंने थोड़ा क्लच लीवर्स के एडजस्टमेंट करे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लूज़ लग रही थी मेरे को चीज़ें, इसलिए और कुछ चीज़ें हटाई भी हैं, कुछ मेटल पार्ट्स हैं। तो अभी बाइक की जरा सफाई करेंगे, डीजल वॉश करेंगे, फिर अच्छे क्लीन करेंगे बाइक को, बाइक को चमकाते हैं और फिर शाम को जरा राइड वाइड पे लेके चलेंगे, हल्का फुल्का घूम के आएंगे इसको लेके।
A few moments later. A few minutes later. चिकनी हो रही है हाँ जी, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये थी मेरे घर पे 1992 की बुलेट, जैसे कि मैंने एक और बारी बताया था वीडियो के अंदर। तो इस बाइक को ऑलमोस्ट 32 इयर्स हो चुके हैं। इस टाइम पीरियड में काफ़ी बारी बाइक का काम हो चुका है, पर अभी भी बहुत अच्छी चलती है। और जो बाइक में से ऑयल स्पिल था, मतलब जो गियर बॉक्स साइड था, वो तो खैर ग्रीस ही निकलता है क्योंकि इसके गियर बॉक्स में ग्रीस डलता है। तो लास्ट टाइम जब इसका काम हुआ होगा, या चाचा ने करवाया था या पता नहीं, मतलब मेरे फादर ने करवाया था, तो इसमें जिस बंदे ने काम किया उसने नॉर्मली ग्रीस डाल दिया था, जिसके से ज़्यादा गर्मी की जैसे ग्रीस क्या है, वो जो गियर एंड किक, जो गियर लीवर एंड किक का जो सॉकेट है, जो शाफ्ट है, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा करके लीक होता रहता है। तो ये थोड़ा क्लीन करना चाहिए, चाचा नहीं कर पाते हैं। कई बार चाचा बाहर से वॉश करवाते हैं तो वहाँ पर हो जाता है। तो बाइक को वॉश भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने वॉश भी कर ली। हाँ, मेरे से बाइक स्टार्ट नहीं हुई, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी यार सच में धोने के बाद। एक तो क्योंकि मैंने डीजल से साफ की थी, तो मेरे जो चप्पलें थी फुटवेयर, उसमें बहुत नीचे डीजल लग गया था, तो बार बार किक के ऊपर से पैर स्लिप भी हो रहा था किक मारते टाइम। तो इन दी एंड शाम को मैंने बाइक अच्छे से स्टार्ट करी थी, गेड़ी वेड़ी मार के आया था, पर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, मैं भूल गया। थोड़ा घूमने फिरने के मूड में थे यार। एक तो वैसे मैं भाई के पास जाता हूँ थोड़ा रेस्ट करने, घूमने फिरने, चिल मारने, तो वहाँ जाके ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाता, मैं चिल बहुत मारता हूँ। तो बाइक मैंने बहुत घुमाई वहाँ पे, ठीक है, बाइक बहुत बढ़िया चलती है। तो इस वीडियो में यहीं तक, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देहरादून की अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी। इस वीडियो को अपना प्यार देना, चैनल पर सपोर्ट बनाए रखो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक बाय बाय।